दक्षिण चीन सागर में पहली बार तैरने वाली परमाणु पट्टी बनाने के करीब पहुंच गया है चीन। वही पट्टी की मदद से चीन समुद्र के जरिए दूर तक आवाजाही कर सकेगा। बावजूद इसके चीन का गृह मंत्रालय इस बात से खुद को अनजान बता रहा है। पनामा लीक्स मामले ने पाक पीएम नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के लोगों के लिए एक संदेश जारी किया है। नवाज का कहना है कि पनामा लीक्स के बहाने उनकी सरकार को अस्थिर करने की साजिश रची गई है। साथ ही उन्होंने इस मामले में खुद पर आरोप साबित होने पर अपने पद से इस्तीफा देने की बात कही है। दिग्विजय सिंह ने व्यापम घोटाले पर मध्य प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि घोटाले में ठगे गए लोगों को ही आरोपी बनाया गया, इस मामले पर सीबीआई जांच करे। कोहली और डिविलियर्स की शानदार पारी के चलते रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पुणे को रौंदा 13 रनों से हराकर आईपीएल 9 में फिर पकड़ी जीत की राह। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन पर नैनीताल हाईकोर्ट के दिए फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 27 अप्रैल तक राष्ट्रपति शासन लागू रहेगा। साथ ही नैनीताल हाईकोर्ट से कहा है कि वो 26 अप्रैल तक फैसले की कॉपी मुहैया कराए। कोर्ट ने यह भी कहा कि मौखिक आदेश पर हरीश रावत का सीएम पद संभालना गलत था। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि राष्ट्रपति शासन लागू रहेगा, अगले आदेश तक सीएम के पास कोई शक्ति नहीं रहेगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार 27 अप्रैल तक राष्ट्रपति शासन हटा नहीं सकती। उत्तरांचल हाई कोर्ट के फैसले को स्टे कर दिया है, उसका इफेक्ट नहीं रहेगा। उसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन जो क्वाश कर दी गई थी वो क्वाशिंग अब नहीं मानी जाएगी। वही पोजीशन चलेगी जो कल थी या परसों थी, नेमली गवर्नर वाली पोजीशन चलेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हरीश रावत ने कहा कि पहले मैं हाईकोर्ट का शापित मुख्यमंत्री था, उससे पहले बर्खास्त मुख्यमंत्री और अब मैं निवर्तमान मुख्यमंत्री हूँ। मैं हाईकोर्ट द्वारा स्थापित मुख्यमंत्री था, उससे पहले मैं बर्खास्त मुख्यमंत्री था और आज के दिन जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से निवर्तमान मुख्यमंत्री। कांग्रेस के बागी विधायक विजय बहुगुणा ने कहा कि अच्छा फैसला है, काफी आश्वासन है कि सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट का पक्ष नहीं लेगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने कहा कि बीजेपी के कैलाश विजयवर्गीय ने जिस तरह से अरुणाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक राजनीति को कलंकित करने का काम किया है, बीजेपी को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। श्री कैलाश विजयवर्गीय हैं, भारतीय जनता पार्टी के हिटमैन हैं। उन्होंने जिस तरह से राजनीति को पूरे देश में अरुणाचल प्रदेश से लेकर के यहाँ तक कलंकित करने का काम किया है, उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए। शराब कारोबारी विजय माल्या ने बैंक से बतौर लोन उठाए 9000 करोड़ की वापसी के लिए अब नई डील दी है। माल्या ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वो बैंकों को 6868 करोड़ लौटाना चाहते हैं। इससे पहले माल्या ने 4400 करोड़ लौटाने का ऑफर दिया था। पाकिस्तान के साथ संवाद प्रक्रिया पर भारत ने साफ कर दिया है कि संवाद प्रक्रिया निलंबित नहीं है और पठानकोट वायुसेना अड्डे पर हुए आतंकवादी हमले की जांच के लिए पाकिस्तानी संयुक्त दल का भारत का दौरा बहुत रचनात्मक रहा है। राज्यसभा के लिए मैरीकॉम नवजोत सिंह सिद्धू, सुब्रमण्यम स्वामी, मलयालम अभिनेता सुरेश गोपी, स्वप्नदास गुप्ता, अर्थशास्त्री नरेंद्र जाधव का नामांकन हुआ है। हैदराबाद में एक हादसे में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा बार बार बच गए। तेलंगाना दौरे पर गए नड्डा हैदराबाद के बीजेपी दफ्तर में लिफ्ट से नीचे उतर रहे थे कि अचानक लिफ्ट में तकनीकी खराबी आ गई और लिफ्ट पहली मंजिल से ग्राउंड फ्लोर तक फिसल गई। उत्तराखंड मसले को लेकर शिवसेना ने सामना में केंद्र पर निशाना साधा है। सामना में लिखा है कि केंद्र सरकार का वस्त्र हरण तो हुआ ही है, राष्ट्रपति की प्रतिष्ठा भी धूमिल हुई है। हरियाणा के कैथल में बीजेपी विधायक कुलवंत राम बाजीजर ने एक नई मिसाल पेश की है। कुलवंत ने अपनी 12वीं की परीक्षा दी। नक्सलियों से मिली धमकी के बाद पटना में रेलवे स्टेशन पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। ट्रेन ट्रक और यात्रियों के सामान की बारीकी से जांच की गई। नक्सलियों ने गया और पटना रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी दी है। काशीपुर की सायरा बानो ने ट्रिपल तलाक पर सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद जताई है। सायरा बानो ने कहा कि उनसे पति ने 3 बार तलाक कहकर मुझे तलाक कर दिया है, इसके साथ ही मेरे पति ने मेरा मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न किया, मुझे कई बार अबॉर्शन कराने के लिए मजबूर किया।
मेरे हस्बैंड ने 10 अक्टूबर को हमें तलाक दे दिया, ट्रिपल तलाक दिया है। मेरे पति शारीरिक और मानसिक रूप से मुझे बहुत ही अत्याचार किया, 6-7 उन्होंने अपोर्शन। 23 अप्रैल 1616 को आज ही के दिन अंग्रेजी के महान कवि और नाटककार विलियम शेक्सपियर का निधन हुआ था। दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल ने महान कवि और लेखक विलियम शेक्सपियर की पुण्यतिथि पर खास डूडल बनाया है। एयर होस्टेस को कॉकपिट में बैठने के लिए कहने पर स्पाइस जेट के पायलट को बर्खास्त कर दिया गया है। घटना कोलकाता से बैंकॉक जा रही फ्लाइट की है, जर्मन फ्लाइट में भी पायलट का यही रवैया रहा। बिहार के जमुई में नक्सलियों ने स्कूल के एक हिस्से को उड़ा दिया, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। यहां 24 अप्रैल को पंचायत चुनाव की वोटिंग होने वाली थी। पंजाब के मुक्तसर में एक दलित लड़की को अगवा कर रेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। महिला की किडनैपिंग की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। घटना 25 मार्च की है। नागपुर में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है, लोगों ने सड़कों पर शेड छाए हैं जिससे राहगीरों को धूप से कुछ राहत मिल सके। ताबात का दौरा करेंगे और इस मौके पर कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। साथ ही दौरे पर दादूपुर में समाजवादी विद्यालय की बुनियाद रखेंगे। दाल की जमाखोरी की शिकायत पर केंद्रीय कृषि मंत्री संजीव बहलिया ने राज्य सरकारों से कालाबाजारी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा कि कालाबाजारी और जमाखोरी करने वाले नहीं बख्शा जाएगा और सख्त कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रायबरेली में बीजेपी के गांव चलो अभियान के तहत गृहमंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह ने सभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने ग्रामीणों को केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में बताया। साथ ही गांधी परिवार पर जमकर निशाना साधा। मुरादाबाद में कॉलेज के प्रिंसिपल ने 11वीं की छात्रा के हाथों में खोलता हुआ खाना डालकर इसलिए जला दिया क्योंकि छात्र होम साइंस के प्रैक्टिकल रसगुल्ला और कपड़ा नहीं लाई थी। वहीं परिजनों ने प्रधानाचार्य के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करा दी है। जालौन में 1000 को उधार को लेकर दो युवकों में विवाद हो गया, जिसमें एक युवक ने दूसरे को गोली मार दी। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंचे परिजनों ने युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसके इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। लखनऊ में खेलते समय किशोरी के साथ हाथ में सिक्योरिटी गार्ड की लाइसेंसी राइफल से अचानक गोली चल गई और किशोरी की मां को लग गई, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच में जुट गई है। मुजफ्फरनगर में शातिर चोरों ने सुरक्षा व्यवस्था पर घात लगाकर इलाहाबाद बैंक और उसके बराबर में खुले जिला सहकारी बैंक में दीवार फाड़कर चोरी करने की कोशिश की, लेकिन एटीएम मशीन में पैसा होने के चलते वो वारदात को अंजाम नहीं दे पाए। वहीं पुलिस सीसीटीवी कैमरे की मदद से आरोपियों की तलाश में जुट गई है। फतेहपुर में पुलिस ने NH2 पर अवैध बैरियर का लगाकर वसूली करने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और पकड़े गए आरोपियों के पास से 6100 रुपये समेत 5 डंडे बरामद किए हैं। मुजफ्फरनगर के एक स्वर्ण व्यापारी की दुकान से 2 बुर्का नशी महिलाओं ने 50,000 रुपये के जेवरातों पर हाथ साफ कर दिया। हालांकि चोरी की ये वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। वहीं पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी महिला की तलाश में जुट गई है। मेरठ में आई तेज आंधी से निर्माणाधीन मकान ढहने से बराबर में बने मकान की छत गिर गई, जिसमें 6 लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें आनंद फानंद में अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक में सवार महिला और उसकी मासूम बच्चे की मौके पर मौत हो गई, जबकि उसकी पति की गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गाजीपुर में बारातियों ने से भरी बस असंतुलित होकर खाई में गिर गई, जिसमें बस में सवार 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिन्हें आनंद फानंद में अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। गोड़ा में पानी पीने के लिए जंगल से गांव में घुसे हिरण पर कुत्तों ने हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। वहीं हिरण के इलाज के दौरान मौत हो गई। बाराबंकी के पीर बटवावन मोहल्ले में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब शादी में मीठा चावल खाने के बाद करीब 50-60 लोगों को उल्टियां और दस्त आने शुरू हो गए। वहीं हालात बिगड़ने पर आनंद फानंद में लोगों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। फतेहपुर में अग्निकांड से पीड़ित गांव वालों की मदद के लिए सामाजिक संस्था की मदद के लिए आगे आ रही है जनपद की संस्कार नेहरू युवा संगठन समेत व्यापार मंडल के सहयोग से पीड़ितों को राहत सामग्री बांटी गई। हनुमान जयंती के अवसर पर साहिबाबाद के शालीमार गार्डन में विशाल शोभायात्रा निकाली गई। यात्रा में बीजेपी नेता संजीव शर्मा और पप्पू पहलवान ने भी भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया और प्रसाद वितरण किया गया।
गुना में बुजुर्ग दंपति के घर में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग में पूरा घर जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। फिरोजाबाद के नवनिर्मित सरकारी ट्रॉमा सेंटर में बनी पुलिस चौकी में देर रात 6 युवकों ने तोड़फोड़ की। डॉक्टर और स्टाफ ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। लड़के एक मरीज को लेकर आए थे, लेकिन जब मरीज को आगे रेफर किया गया तो युवक भड़क गए। प्रदेश में डीजीपी जावेद अहमद ने कानपुर का दौरा किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि पुलिस महिलाओं के प्रति संवेदनशील है, साथ ही पुलिसकर्मियों को भी उन्होंने ड्यूटी सही ढंग से करने की नसीहत दी। कन्नौज में शराब माफियाओं ने एक शख्स की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि आरोपियों के ठिकाने पर आबकारी विभाग ने छापा मारा था और शराब माफियाओं को शक था कि मृतक कैलाश नाथ ने आबकारी को सूचना दी। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर भी मिलीभगत का आरोप लगाया। बरेली में शादी समारोह में दर्जन भर से ज्यादा बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी, जबकि एक बुरी तरह से जख्मी हो गया। अंधाधुंध फायरिंग से अफरातफरी मच गई। लोगों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। यूपी स्टार्टअप कार्यक्रम में सीएम अखिलेश ने यूपी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया, साथ ही भविष्य की योजनाओं का भी जिक्र किया। यूपी में मेट्रो और एक्सप्रेसवे पर बीएसपी द्वारा उठाए सवाल पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि मेट्रो को धरातल पर सपा नहीं उतारा है, साथ ही एक्सप्रेसवे पर बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा द्वारा उठाए सवाल पर चुटकी भी ली। ये समाजवादी पार्टी और समाजवादी सरकार ने मेट्रो बनाई है और फिर एक्सप्रेस वे कमाल है। उन्होंने कह दिया कि हमारे गांव और घर से निकल रही है। अरे प्रेस को ये भी तो बता देते कि आपकी ससुराल भी तो वहीं है। आप अपने ससुराल के बारे में नहीं बता रहे कि उस ससुराल से होकर भी एक्सप्रेस वे निकला है। कम से कम इस एक्सप्रेस वे से आप ससुराल जल्दी पहुंच जाओगे। पर्यावरण में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए फैजाबाद में प्रदेश के मुख्य सचिव आलोक रंजन ने एक ऐसे इंडस्ट्री का भूमि पूजन किया जिसके लगने के बाद पर्यावरण में सफेद प्रदूषण को रोकने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। यस पेपर मिल डिस्पोजल टेबल वेयर का उत्पादन करने का निर्णय लिया गया है। शिवसेना ने मशहूर गजल गायक गुलाम अली के कार्यक्रम का विरोध करते हुए जगह जगह पोस्टर लगाए हैं। 26 अप्रैल को वाराणसी के संकट मोचन मंदिर पर गुलाम अली का कार्यक्रम होना है। पीलीभीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चलाई जा रही योजनाओं पर लापरवाही बरतने में केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने बैंक मैनेजरों को खूब लताड़ा। दरअसल केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने एक कार्यशाला का आयोजन कराया था। बुलंदशहर के फैसलाबाद इलाके में सगे बेटों ने अपनी ही मां को जिंदा आग के हवाले कर दिया। गंभीर हालत में मां अस्पताल में भर्ती है। विवाद संपत्ति को लेकर हुआ, एक बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार किया। देवरिया के तरकुलवा थाना क्षेत्र के पोखर भिंडा गांव में एक 6 साल के मासूम का अपहरण घर के बाहर खेलते समय कर लिया गया। अपहरणकर्ताओं ने 15 लाख रुपए की फिरौती की रकम मांगी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। भदोही में एक शादीशुदा युवती का अपहरण कर भाग रही इनोवा कार एक पेड़ से टकरा गई, जिसमें युवती की मौके पर मौत हो गई और कार में सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। फतेहपुर जिला कारागार में कैदी की मौत हो गई, जिससे जेल में हड़कंप मच गया। कारागार प्रशासन की माने तो कैदी की मौत हार्ट अटैक से हुई है, जबकि कैदी के परिजनों का आरोप है कि जेल में साजिश के तहत उसकी हत्या की गई है। बरेली में किसान को अपने खेत में लगे फल तोड़ने का विरोध करना खासा महंगा पड़ गया। गुस्साए दबंगों ने लाठी डंडों से पीट पीट कर किसान सुखपाल को घायल कर दिया। गाजियाबाद में तमंचा साफ करने के दौरान दुल्हन के भाई से अचानक गोली चल गई और गोली दूल्हे के भाई को जा लगी। पुलिस ने गोली चलाने वाले युवक को गिरफ्तार कर तमंचा बरामद कर लिया है, लेकिन किसी भी पक्ष ने रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए कोई तहरीर नहीं दी है। इलाहाबाद में ईसीसी कॉलेज के बीएस सेकेंड ईयर के एक छात्र को चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया गया, जबकि चाकू से हुए हमले में साथी गंभीर रूप से जख्मी हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। गुना के तरबगंज इलाके में 6 साल की एक मासूम के साथ रेप के बाद हत्या के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। शाहजहांपुर के सदर बाजार इलाके के ऑफिसर कॉलोनी में जिला विकलांग कल्याण अधिकारी रंजीत कुमार फोन करके उनके ही घर पर संदिग्ध मौत हो गई। शक की सुई घर की नौकरानी पर है। गाजियाबाद के मुरादनगर के पार मोहल्ले में एक छात्रा के साथ रेप के प्रयास के मामले में पुलिस ने आरोपी सलमान समेत 3 को गिरफ्तार कर लिया है। समाचार पत्र पर खबर चलने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।
मुजफ्फरनगर के इस्लामा नगर के 5 घरों में दर्जनों से अधिक हथियारबंद बदमाशों ने परिवार के लोगों को गन पॉइंट पर बंधक बनाकर लूटपाट की और नकदी जेवर गाड़ी सहित कई लाख रुपए नकद लेकर फरार हो गए। लखनऊ की गोमती नगर पुलिस ने एक ऐसे नटवरलाल आरिफ को गिरफ्तार किया है जो खुद को यूपी पुलिस का अधिकारी बताता था। यही नहीं, वो पैसा ना लेने के लिए खुद को एसपी बताकर रौब काटता था। सिद्धार्थनगर के नेपाल बॉर्डर पर पुलिस ने 5 जाली नोटों के तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन लोगों से 1000 के 41 नोट और 500 के 118 नोट बरामद किए हैं। शामली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक सुपारी किलर को दबोचा है। पुलिस ने सुपारी किलर पर 5000 का इनाम रखा था। वहीं आरोपी खुद को बेकसूर बता रहा है। उनका कहना है कि उसने आरटीआई के जरिए राशन डीलर से जानकारी मांगी थी, इसलिए उसे फंसाया जा रहा था। शाहजहांपुर में नीली बत्ती बुलेरो सवार 4 बदमाशों ने चावल से भरे ट्रक को लूट लिया और फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने ट्रक बरामद कर मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मुरादाबाद पुलिस ने नकली गुटखा और नकली चाय की पत्ती बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मौके से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जबकि गिरोह का दूसरा सदस्य भागने में कामयाब हो गया। मुजफ्फरनगर में व्यापारी से तमंचे के बल पर बदमाशों ने मांगी 5 लाख की रंगदारी। शोर मचाने पर चौका फायर, व्यापारी के नौकर को लगी गोली। फरार होने पर एक बदमाश को व्यापारियों ने पकड़कर जमकर धुनाई की। साहिबाबाद के शालीमार गार्डन स्थित इंपोर्टेड आइटम के शोरूम में चोरी की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें चोर शोरूम से लेदर की बेल्ट, घड़ियां, चश्मे, जूते, टी शर्ट सहित कीमती सामानों की चोरी करते देखे गए। रायबरेली के कोतवाली कलेक्ट्रेट गेट के बाहर वकीलों ने एक गरीब का होटल तहस नहस कर दिया। होटल वाले का वकीलों से रुपए के लेन देन को लेकर कुछ दिन पहले झगड़ा हुआ था, लेकिन कलेक्ट्रेट में मौजूद पुलिस को भनक तक नहीं लगी। सहारनपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक मकान पर छापा मारकर 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से एक टेलीविजन, 8 मोबाइल बरामद किए गए हैं। बरेली में तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल सवार एक डाकिये को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। उसके बाद अनियंत्रित ट्रक कैंट के यूबी एरिया के ऑफिस में जा घुसा। हाथरस में सादाबाद के आगरा बाईपास एनएच 93 पर सवारियों से भरा लोडर टेम्पो पलट के हादसे में 1 दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। लखनऊ बहराइच हाईवे पर तेज रफ्तार कार शानेदार की सड़क किनारे खड़ी गाड़ी से भिड़ गई। हादसे में कार सवार 3 लोग बुरी तरह घायल हो गए, अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गोरखपुर में अज्ञात वाहन में होमगार्ड को मारी टक्कर, हादसे में होमगार्ड की मौके पर मौत है। कैंट थाना क्षेत्र के रेलवे महाप्रबंधक कार्यालय के सामने हुआ हादसा। फरुखाबाद के 5 साल घाट पर हुए एक सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई। सड़क पार कर रही महिला पर ट्रक चढ़ गया, पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर लिया है। संतकबीर नगर में आशा कार्यकर्ताओं ने सीएमओ कार्यालय का घेराव किया और सीएमओ पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जमकर प्रदर्शन किया। अमेठी बिजली चोरी की जांच करने पहुंचे जेई पर गांव के दबंगों ने हमला कर दिया, जिसमें जेई को काफी चोट आई, लेकिन आरोपी को पकड़ने की बजाय खुद ही वहां से चलती बनी। मिर्जापुर के कटरा कोतवाली इलाके के दीनदयाल चौराहे पर 2 ट्रांसफार्मरों में आग लग गई। ट्रांसफार्मरों से कई दिनों से तेल का रिसाव हो रहा था। कानपुर के पंकी इंडस्ट्रियल एरिया में हौजुरी फैक्ट्री में लगी भीषण आग। सूचना पर आधा दर्जन दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग की भीषणता देखते हुए दूसरे दमकल केंद्रों से भी मांगी गई मदद। फिरोजाबाद में मगरमच्छ निकलने से हड़कंप मच गया। किसी तरह मगरमच्छ को काबू कर पकड़ा गया। मगरमच्छ को देखने के लिए मजमा लग गया। फिरोजाबाद रहने वाले मर्चेंट नेवी में तैनात कैप्टन आलोक यादव की हत्या के तकरीबन 2 महीने बाद भी पुलिस हत्यारों को पकड़ नहीं सकी है। अलीगढ़ शहर में वैसे शिक्षा अधिकारी का प्राइमरी स्कूल अधिकारियों की लापरवाही के चलते बदहाल स्थिति में है। स्कूल के 2 कमरों में 92 बच्चे पढ़ते हैं, जबकि स्कूल में पीने के लिए ना तो पानी है और ना ही कोई शौचालय। चंदौली में प्लेटफॉर्म पर ट्रेनों के रुकते ही पीने के पानी को लेकर मारामारी शुरू हो जाती है। पानी की व्यवस्था सही नहीं होने पर लोगों को निराशा हाथ लगती है। गर्मी के चलते इंसान ही नहीं बल्कि बेजुबान भी परेशान है। इसी के चलते भालू संरक्षण गृह में भालुओं को खाना बदल दिया गया है, उन्हें मौसमी फल दिए जा रहे हैं। झांसी कई ब्लॉकों और गांव में बारिश के पानी को संग्रह करने के लिए जिन तालाबों को तैयार हो जाना चाहिए था, उनका काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। कई नामी बिल्डरों की कारतूतों के बीच जेपी बिल्डर का नाम भी जुड़ गया है। नोएडा के सेक्टर 134 में जेपी ग्रीन्स विश सिटी के नाम पर फ्लैटों के एवज में बायर से अरबों रुपए की उगाही कर ली गई है।
कानपुर के कृष्णा हॉस्पिटल ने एक मृतक महिला को पीजीआई के लिए रेफर कर दिया। इस बात का खुलासा तब हुआ जब डीएम द्वारा बनाए गए डॉक्टर के पैनल ने अपनी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पेश की। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में समाचार पत्र की खबर को प्रमुखता से दिखाने के बाद डीएम ने राशन डीलर के विरुद्ध जांच के आदेश दे दिए, जिसके बाद आपूर्ति कार्यालय इंचार्ज मनोज कुमार ने काशीराम आवास कॉलोनी में पहुंचकर कार्डों की जांच की। हाथरस में डीआईजी अलीगढ़ रेंज गोविंद अग्रवाल ने हाथरस रिजर्व पुलिस लाइन में निरीक्षण किया और अधीनस्थों के साथ समीक्षा बैठक की। राजधानी लखनऊ में बढ़ती गर्मी और धूप के चलते ट्रैफिक सिपाहियों को पुलिस अधिकारियों और व्यापारियों ने छाता और पानी का थर्मस दिया। नक्सलियों द्वारा बिहार के गया स्टेशन को उड़ाने की धमकी के बाद चंदौली के मुगलसराय स्टेशन पर भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। जीआरपी ने ट्रेन और प्लेटफॉर्मों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया। नोएडा डीपीएस और एपीजी स्कूल की मनमानी से अभिभावक परेशान है। अपनी समस्या को लेकर अभिभावक डीएम से मिलने पहुंचे। अभिभावकों का कहना है कि नोएडा सेक्टर 30 में स्थित डीपीएस स्कूल ने 17% और एपीजी स्कूल ने 40% फीस बढ़ा दी है। हापुड़ में हनुमान जयंती के अवसर पर निकली कलश यात्रा। कल मुक्तेश्वर में 101 महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। इसी दौरान शहर में तरह तरह की झांकियों को भी निकाला गया। फरुखाबाद में हनुमान जयंती का पर्व धूमधाम से मनाया गया। मंदिरों में सजावट के साथ भगवान हनुमान का श्रृंगार भी किया गया। लखीमपुर खीरी में हनुमान जयंती के मौके पर विराट पदयात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों भक्त शामिल हुए। फरुखाबाद में 11 जनपदों का इज्तिमा का आयोजन किया गया। गर्म मौसम के बीच 25,000 से ज्यादा लोग इबादत के लिए पहुंचे। फरुखाबाद में हजरत अली की यौम पैदाइश के मौके पर शानदार जुलूस निकाला गया। जुलूस शहर के मुख्य मार्गों से निकाला गया। यात्रा का जगह जगह जोरदार स्वागत किया गया। मुरादाबाद में स्कूली बच्चों ने दिया धरती को बचाने का संदेश। बच्चों ने ग्रीन पेंट से चेहरे पर लिखा सेव अर्थ का मैसेज। स्कूली बच्चों ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया प्रेरणा स्रोत। अयोध्या में विहिप समर्थित 84 कोसी परिक्रमा को लेकर महंत गया दास ने कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि विहिप की परिक्रमा राजनीति से प्रेरित है। रायबरेली में नवविवाहिता की गलाकोट हत्या करने का मामला सामने आया है। मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया है। फतेहपुर में कंपटीशन की तैयारी कर रही लड़की का कमरे में शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस के मुताबिक मृतका के शव पर चोट के निशान है। मुजफ्फरनगर में फार्म हाउस मालिक ने मजदूरी के पैसे मांगने पर एक मूक बधिर मजदूर पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे मजदूर की हाथ की उंगली कट गई। कौशाम्बी में शादी समारोह में बिरयानी की कमी पड़ने से दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें दोनों पक्षों के करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। शाहजहांपुर में बिजली चोरी पर हुई कार्रवाई से बौखलाए हथियार बंद दबंग जूनियर इंजीनियर की लात। घूसों से जमकर पिटाई कर दी गई और मौके से फरार हो गए। अलीगढ़ के सिविल अस्पताल में मरीज युवती को डॉक्टरों द्वारा मेडिकल कॉलेज में रेफर करने से गुस्साए परिजनों में वार्ड में जमकर तोड़फोड़ की, जिसके बाद गुस्साए डॉक्टरों और स्टाफ लोगों ने काम बंद कर दिया। लखीमपुर सिटी के गांव चतौरा में अचानक आग लगने से गांव में 250 घर जलकर खाक हो गए और वहीं सूचना के बाद दमकल की गाड़ी न पहुंचने पर ग्रामीणों को लाखों का नुकसान हो गया। महाराष्ट्र से लेकर यूपी के बुंदेलखंड तक लोग जहां पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं, तो वहीं बहराइच में जल ही जीवन का नारा बुलंद करता हुआ पानी का टैंकर रोड में पानी बर्बाद कर रहा है। सहारनपुर में एसएसपी के थाने के निरीक्षण के दौरान थाने की पुलिस की पोल खुल गई। वहीं जब एसएसपी ने पुलिस सिपाहियों से असलहों को लोड अनलोड करने को कहा तो कई सिपाहियों के पसीने छूट गए। बदायूं में सजायाफ्ता कैदी को इलाज के लिए लखनऊ भेजे जाने के बावजूद सिपाहियों ने उसे जिला अस्पताल खुलवाकर भर्ती करवा दिया है। अलीगढ़ में पुलिस ने 3 दिन से घर से भागे एक प्रेमी जोड़े को बरामद कर लिया है। वहीं बताया जा रहा है कि प्रेमी 12वीं का छात्र है जबकि प्रेमिका 10वीं की छात्रा है। मुजफ्फरनगर में सलमान खान की फिल्म सुल्तान की शूटिंग के दौरान हजारों समर्थक शूटिंग स्थल पर डटे रहे। काशी में पिछले 15 दिनों से निकल रही हनुमान ध्वजा प्रभात फेरी के आखिरी दिन उमड़ा भक्तों का सैलाब, जिसमें 1100 हनुमान ध्वजा शामिल रही। कांग्रेस के बागी विधायकों के निष्कासन पर आज नैनीताल हाईकोर्ट की एकल पीठ में सुनवाई होगी। बागी विधायकों ने स्पीकर के निष्कासन कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर की थी याचिका। हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे के बाद बीजेपी ने राज्यपाल को पत्र भेजा है, जिसे पूछा गया है कि कोर्ट के किसी लिखित आदेश के बिना किस तरह हरीश रावत बैठक की। वहीं पत्र में यह भी पूछा गया कि क्या राज्यपाल की ओर से कोई आदेश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम में रोक लगाने के बाद कांग्रेस खेमे में मायूसी दिखाई दे रही है। हालांकि हरीश रावत समेत कांग्रेस के दूसरे विधायक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया था उसका सम्मान किया और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसका भी सम्मान करते हैं। पूर्व विधानसभा स्पीकर प्रकाश पंत ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाईकोर्ट के अंतरिम फैसले पर रोक लगाने के फैसले को संविधान हितों की रक्षा करना बताया है।
काशीपुर के जसपुर में दो दिन पहले हुई डॉक्टर की हत्या के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हत्या के प्रयोग में की गई अपाचे गाड़ी को भी बरामद किया है। गंगोत्री पहुंची केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने गंगा घाट का किया निरीक्षण, साथ ही चारधाम यात्रा का भी लिया जायजा। हरिद्वार में स्वामी रामदेव के पतंजलि फूड पार्क पर केंद्र सरकार के सीआईएसएफ के जवानों की तैनाती कर दी गई है। अब ये 35 जवान हमेशा फूड पार्क की निगरानी करेंगे। हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र में अपहरण हुए एक मासूम बच्ची का पुलिस ने 24 घंटों में ही खुलासा कर दिया है। खुलासे में प्रेम सत्संग का मामला सामने आया है। रुद्रपुर की मेट्रो कॉलेज में स्थित प्राइवेट स्कूल शुमरुक एस्टर्स की फीस वृद्धि को लेकर अभिभावकों ने स्कूल की शिकायत जिला शिक्षा अधिकारी से की। साथ ही अभिभावकों ने कहा कि स्कूल में प्रत्येक वर्ष 20 से 40% तक फीस वृद्धि हो रही है। पिथौरागढ़ नगर में पाड़े गांव से विवेकानंद कॉलोनी तक सड़क पहुंचाने की मांग को लेकर सारे लोगों ने डीएम कार्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया। जसपुर में डॉक्टर की हत्या के विरोध में चिकित्सक संघ हड़ताल पर, मरीजों को ना तो ओपीडी में देखा जा रहा है और ना ही इमरजेंसी में। खटीमा में दो दिन से हड़ताल कर रहे डॉक्टरों के कार्य आविष्कार के चलते 3 साल की मासूम को इलाज नहीं मिला जिससे उसकी मौत हो गई। हल्द्वानी में आज भी सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी और इमरजेंसी सेवाएं बंद। जसपुर में हुई डॉक्टर की हत्या के विरोध में प्रदर्शन। खटीमा में एनएच बाईपास निर्माण के लिए अधिग्रहित की गई जमीन का किसानों को अब तक मुआवजा नहीं दिया गया है। आक्रोशित भूतपूर्व सैनिक और किसानों ने तहसील में मुआवजे के लिए प्रदर्शन किया। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में रेशनलाइजेशन के मुद्दे पर विवि के कर्मचारियों में दो पहाड़ एक गुट, जहां यूजीसी के कर्मचारियों को बदनाम के प्रवक्ते का पक्षधर है तो दूसरे गुट ने इसके विरोध में गढ़वाल विश्वविद्यालय में आंदोलन शुरू कर दिया है। उधम सिंह नगर कलेक्ट्रेट परिसर में डीएम ने लाइसेंसी बंदूक ले जाने पर पाबंदी कर दी है, जिसके लिए कलेक्ट्रेट में बाकायदा एक नोटिस बोर्ड लगाया गया है। चंपावत में 38 साल पुराना अंगोरा शशक प्रजनन केंद्र दम तोड़ता नजर आ रहा है। केंद्र में अब सिर्फ 40 अंगोर शशक ही रह गए हैं। चौंसार बाव में सहिया कुआनू मोटरमार्ग की गुणवत्ता सवालों में आ गई है। 7,56,00,000 की लागत से बन रही इस सड़क में घटिया सामग्री इस्तेमाल हो रही है। खटीमा में समाचार प्रसिद्ध खबर का असर। खटीमा वन विभाग के एसडीओ ने वन क्षेत्र में अवैध खनन किए जाने के मामले में कार्रवाई करते हुए एचजी इंफ्रा कंपनी की जेसीबी व पोकलैंड मशीनों को सीज कर दिया। राजधानी देहरादून में अचानक शाम के वक्त मौसम ने अपना रंग बदला और शहर के कई इलाकों में तेज बारिश हुई। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश ने लोगों को गर्मी से खासा राहत दी है। मसूरी गर्ल राष्ट्रीय सेवा योजना की स्वयंसेवक छात्राओं ने जागरूकता रैली निकाली और साथ ही नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से जनता को वनों और पानी को बचाने का संदेश दिया। उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक बीएसएस सिद्धू ने हल्द्वानी में फायर स्टेशन का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में जिले के अधिकारी समेत दमकल विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। काशीपुर में केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने देश के पहले 2G एथोल एल्कोहल प्लांट का उद्घाटन किया। ये प्लांट केंद्रीय बायोटेक्नोलॉजी और आईजीएल के ने मिलकर लगाया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण इन दोनों अपनी आने वाली हॉलीवुड फिल्म XXX रिटर्न ऑफ जेंडर केस की शूटिंग में व्यस्त है। रणवीर सिंह इन दिनों बेफिक्रे को लेकर चर्चा में है। खबर है कि इस फिल्म में रणवीर सिंह न्यूड यानी बिना कपड़ों के नजर आएंगे। हाल ही में वाणी कपूर रणवीर सिंह की अगली फिल्म बेफिक्रे का पहला पोस्टर सामने आया है। मॉडल एक्ट्रेस मंदाना करीमी ने शादी की अफवाहों को लेकर अपना स्टैंड क्लियर किया है। उन्होंने शादी की किसी भी खबर का खंडन किया है। श्रद्धा कपूर और टाइगर श्रॉफ अपकमिंग फिल्म बागी को प्रमोट करते द कपिल शर्मा शो में नजर आएंगे। हाल ही में श्रद्धा और टाइगर ने इस प्रमोशनल एपिसोड की शूटिंग की। टाइगर श्रॉफ पर श्रद्धा कपूर ने अपनी आने वाली फिल्म बागी का नया पोस्टर ट्विटर पर रिलीज किया है। दोनों एक साथ बाथटब में नजर आ रहे हैं। श्रद्धा भास्कर अभिनीत फिल्म नीलबट्टे सन्नाटा उत्तर प्रदेश में कर मुक्त हो गई है। राज्य के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गुरुवार को घोषणा की। ऋतिक रोशन कंगना रनौत विवाद में नया खुलासा हुआ है। ऐसे कुछ मेल सामने आए हैं जो कंगना ने कथित तौर पर ऋतिक को लिखे थे। दिनों दिन बढ़ती गर्मी का असर अब लोगों के कामों पर भी होने लगा है। इसका एक नजारा एसएस राजा मौली निर्देशित बाहुबली द बिगनिंग के अगले पार्ट की शूटिंग के दौरान मिला।
एबीसी की एक्ट्रेस लॉरेन इन दिनों अपने अफेयर को लेकर चर्चा में। कहा जा रहा है कि डीजे अनीश सूद के साथ उनका अफेयर चल रहा है। अजहर के बेकार ने त्रिवेद के पॉपुलर गाने ओए ओए को फिर से रिक्रिएट किया है।